खून में उबाल रहता है तो जोश तो जुनून तो रहता ही है। हमारा सपना था कि झारखंड में झारखंडी कौन है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाए। अगर झारखंड में नौकरियां हैं तो झारखंड के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, हम लोग को अगर जनता देने के लिए तैयार नहीं रहती और हम लोग हारते तब समझ में आता। जनता हम लोग को देने के लिए तैयार थी पर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, ये हमसे मिस्टेक हुई, इसलिए हम लोग थोड़ा खुश नहीं। जहाँ तक वोट काटने का बात रहा तो हम लोग वोट काटने के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे और ना कभी लड़ेंगे। बाहरी भीतरी का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हम लोग। कभी भी नहीं कहे हैं कि बिहारी है तो बिहार चले जाएं, ओपी वाले हैं तो ओपी उत्तर प्रदेश, नहीं 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 नहीं, ऐसा हम लोग ने नहीं कहा। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है 10 सालों से पेंडिंग है, जेपीएससी 5 सालों में एक बार हो पाता है, वो होता भी है नहीं तो नहीं भी होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम है, सभी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, टेट को देख लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए, 8 साल 10 साल लग जाते। तो क्या जोहार, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और फिर भाषा आंदोलन से सुर्खियों में आए, फिर राजनीति का सफर तय करने वाले जेबीकेएसएस के मोतीलाल महतो हमारे साथ है। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मोतीलाल महतो तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इनके साथी जयराम महतो चुनाव जरूर लड़े और भारी भरकम वोट भी आया, तीसरे पायदान पर रहे गिरिडीह से, और उसमें मोतीलाल महतो का अहम योगदान रहा उस 3.5 लाख वोट में। सबसे पहले तो खूब खूब स्वागत आपका झारखंड अपडेट्स में। झारखंड अपडेट के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। 3.5 लाख वोट, 1 लाख वोट कम हो गया, कसस रह गई इसकी। देखिए, वो कम नहीं होती, जनता देने के लिए तैयार थी। गलती हम लोग का थोड़ा सा रणनीति में हुआ कि हम लोग जनता तक पहुंच नहीं पाए, और कुछ कुछ गलतियां हैं, जैसे थोड़ा सा बूथ मिस्टेक में हम लोग बूथ मैनेजमेंट में मिस्टेक रहा, थोड़ा सा जातीय समीकरण को भुनाने में मिस्टेक रहा, तो इन सब चीज़ों से, और थोड़ा सा जो कैपिटलिज्म है, धन, दो ही चीज़ हावी हुआ, कास्टिज्म और कैपिटलिज्म, इस चीज़ का अंदेशा हम लोग को पहले था लेकिन इतना अंदेशा नहीं था कि इतना ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो ये दो चीज़ें में हम लोग चुके हैं, तो ये सीख मिला हम लोग को लोकसभा के चुनाव से कि कास्टिज्म और कैपिटलिज्म को भी भुनाना है। तो हम लोग 2024 का जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, उसमें पूरी तरह से इसमें हम लोग सीख मिला है, तीन चीज़ों में सीख मिले हैं कि एक वो बूथ का मैनेजमेंट करना है अच्छे से, और कास्टिज्म और कैपिटलिज्म को भी भुनाना है। तो इस पर पूरा जोर से हम लोग काम पर लग गए हैं। नॉमिनेशन से ही गिरिडीह के युवा जो थे काफ़ी उत्साहित थे, नॉमिनेशन से आपके चुनाव सफ़र को हमने कवर किया, नॉमिनेशन में भी उसी तरह का बवाल देखा गया, फिर काउंटिंग में भी उसी तरह का बवाल देखा गया, गिरिडीह बोकारो में आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। गिरिडीह में जब चुनावी कैंपेन आप लोगों का चल रहा था, कहीं पर सुदेश महतो का भी कैंपेन चल रहा था, सुदेश महतो अपने भाषण में कह रहे थे, संक्षिप्त में बताते हैं, ये लोग उग्र है, हम लोग उग्र नहीं हैं और इसका फ़ायदा जनता हमें देगी। क्या लगता है ये फ़ायदा हो गया आंसू को? देखिए, बात सही है कहीं ना कहीं। देखिए, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो 80% जो युवा पीढ़ी है, अब ये 80% युवा पीढ़ी है तो थोड़ा सा स्वाभाविक सी बात है, जब खून में उबाल रहता है तो जोश तो जुनून तो रहता ही है। तो हम लोग ज़्यादातर भीड़ को जुटाने में, भीड़ में ये करने में ज़्यादातर हम लोग मशगूल रह गए। तो वही तो हम पहले यही बात को कह दिए कि हम लोग वो लोग बूथ मैनेजमेंट करने में रह गए, कैपिटलिज्म को, पूंजी को, जो होता है पूंजीवाद को जैसे हावी कर दिया जाता चुनाव में, उसको करने में लग गए वो लोग। तो ये चीज़ें हमसे मिस्टेक हुई, तो हम तो पहले ही कह चुके हैं इस चीज़ में, अगला बार हम लोग नेक्स्ट में सुधार करेंगे। लेकिन झारखंड की जनता, कहें तो पूरे देश की जनता ने देखा ये चुनाव, और जेबीकेएसएस के प्रत्याशी पर सबकी नज़र थी, और झारखंड में जहाँ जहाँ प्रत्याशी उतरा हर जगह अच्छा खासा वोट मिला, तो इससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो हैं, पर संतुष्ट हैं पर खुश नहीं। देखिए, हम लोग को अगर जनता देने के लिए तैयार नहीं रहती और हम लोग हारते तब समझ में आता। जनता हम लोग को देने के लिए तैयार थी पर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, ये हमसे मिस्टेक हुई, इसलिए हम लोग थोड़ा खुश नहीं। अच्छा, रिजल्ट को जब देखा जा रहा था लोकसभा को, तो उसमें कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ पर आप लोग साफ साफ जीत रहे हैं, इसको खुशी है कि विधानसभा में जब आएंगे तो चुनाव लड़ेंगे तो कुछ सीटें तो एकदम पक्का जीत रहे हैं? हाँ, खुशी है, एकदम खुशी है, क्यों खुशी नहीं होगा। जैसे डुमरी में हम लोग 90,000 वोट लेकर आए, गोमिया में हम लोग 70,000 वोट लेकर आए, बागमारा में हम लोग 46,000 वोट लेकर आए, टुंडी में हम लोग 60,000 वोट लेकर आए, थोड़ा सा कमजोर रह गए गिरिडीह, थोड़ा सा कमजोर रह गए बागमारा, लेकिन जितना वोट लाए हैं तो उतना एक विधानसभा जीतने के लिए एनफ है, काफ़ी है, और जीतने के लिए काफ़ी है, और भी जगह पे लेके आए हैं, जैसे पे और जगह गिरिडीह लोकसभा की बात कर रहे थे, गिरिडीह लोकसभा के बाहर अगर रांची लोकसभा की बात करें तो अच्छा खासा वोट हमें यहाँ भी मिली है, शहरी क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ पर जो विधानसभा में कांके से अच्छा वोट मिला है, खिजरी से अच्छा वोट मिला है, इच्छागढ़ से अच्छा वोट मिला है, सिल्ली से अच्छा वोट मिला है, तो ये सब विधानसभा के आने वाला एक मैसेज है
कि आने वाले समय में हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। जबकि हम लोग तो ऐसा चुनाव लड़े हैं कि ना तो हम लोग को यहाँ रांची का ऐसा चुनाव हुआ है कि ना तो यहाँ पर हमारा प्रत्याशी बाहर था, ना झंडा लगा, ना बैनर लगा, ना पोस्टर लगा, ना बाजा से कहीं प्रचार हुआ, फिर भी 132,000 वोट आना एक अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो ये कहीं ना कहीं संतुष्टि है, बस खुशी नहीं। तो समझा जाए कि ये जन आंदोलन हो रहा है एक तरह से झारखंड में, और इसका परिणाम जो है विधानसभा में दिखेगा। हाँ, एकदम दिखेगा, एकदम जन आंदोलन है। अगर जन आंदोलन नहीं होता तो बड़ी बड़ी इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसका सारा आईटी सेल, उसका सारा युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, जितना मोर्चा है, टोटल सब मोर्चा, पूंजीपति, सभी तरह के जातीय समीकरण, हर चीज़ का आईटी सेल वगैरह पूरा काम करती, पूरा टीम काम करती है, मैनेजमेंट का पूरा टीम काम करती है, और मिला जुला कि वो लोग इतना वोट ला पाते हैं। और बिना मैनेजमेंट का, बिना प्रचार का, बिना प्रसार का, बिना बैनर का, बिना पोस्टर का अगर इतना वोट आता है तो अपने आप में जन आंदोलन ही है कि जनता अपने आप जागरूकता के आधार पर इतना वोट की है। कुछ राजनीतिकार जो हैं वो एज्यूम कर रहे हैं कि ये आप लोगों का सोचा समझा चाल था कि लोकसभा लड़ना है और अपना पहले अपना पैमाना देख लेना है, अपना बहुमत देख लेना है, फिर उस सबसे विधानसभा में काम करना है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। हम लोग पहले ही कह चुके थे, एक चीज़ को हम लोग बायकॉट किए हमेशा से कि हम लोग कोई भी उपचुनाव होगा उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना। देखिए आज तक जितना हुआ आंदोलन के दरमियान, जितना भी उपचुनाव हम लोग किसी में नहीं लड़े, लेकिन हम लोग पहले से ही तय था कि हम लोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव इसलिए भी लड़ना था कि जितने भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी योद्धा हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारे योद्धा अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं वोटिंग करते, कहीं ना किसी न किसी पार्टी को वोटिंग करते, यानी किसी न किसी नीति सिद्धांत को समर्थन करते, और सारी नीतियाँ सीधे दोनों पार्टियाँ, दोनों पार्टियाँ गठबंधन की जो पार्टियाँ हैं उनको दोनों तो नीति सिद्धांत तो मरा हुआ है, तो किसी न किसी को तो मजबूरी में उसको सपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, लोकसभा हम लोग चुनाव, हम लोग अपने आप को ये करने के लिए नहीं आए थे, हम लोग अपने अपना जो लोग हैं उसको हम लोग अपना ऑप्शन देने आए थे कि हम लोग सीट इसमें जीतते हैं, और हम लोग पूरा उम्मीद था कि हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन कुछ गलतियां हुई हमसे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पुलिस केस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी हुआ, या पुलिस प्रशासन का गलती बोले या हम लोग का गलती बोले, लेकिन गलतियां तो हुई है ना, उसका नतीजा थोड़ा सा गलत चुनाव बाद कई लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि जेबी केसेस के प्रत्याशी ने किसका वोट काटा, तो अब आप ही बता दिए, जेबी केसेस के प्रत्याशी ने सभी सीटों पर जहाँ जहाँ खड़ा थे आप लोग, किसका वोट काटे, इंडिया का, एनडीए का? जहाँ तक वोट काटने का बात रहा, तो हम लोग वोट काटने के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे और ना कभी लड़ेंगे। हम लोग वोट लड़े हैं नीति और सिद्धांत पर, वो किसी का वोट नहीं काटे हैं। हमारा जो नीति सिद्धांत का जो समर्थक रहा उसको जनता ने ज़्यादा सपोर्ट किया, और जो थोड़ा सा कम सपोर्ट रहा उसको कम सपोर्ट किया। तो हम लोग नीति और सिद्धांत कर रहे हैं, नीति सिद्धांत के कारण हम लोगों को वोट दिए। आपके तो चुनाव में आने से दोनों को लॉस हुआ। हाँ, दोनों को लॉस हुआ, आप देखिए ना, दोनों का लॉस हुआ है। सब जगह उठा के देख लिए तो सब जगह और कभी कभी समीकरण बदलता है, जरूरी नहीं कि अभी इस जेएमएम का वोट ज़्यादा कट गया, चाहे कभी बीजेपी का ज़्यादा वोट कट गया, तो ऐसा मत मानिए कि हमने बीजेपी का वोट काटा है, जेएमएम का वोट काटा है। हम लोगों ने केवल अपना तरीके से चुनाव लड़ा है, अपने तरीके से अपने नीति सिद्धांत के बल पर लड़ा है। वो किसको वोट देगी वो जनता तय करेगी, या किसको कम देगी किसको बेसी देगी वो जनता तय करेगी, लेकिन हम लोग वोट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, वक्त तक, अंतिम चरण तक इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, विधानसभा में झारखंड की जनता उम्मीद कर रही है कि आप लोग पार्टी के बैनर तले आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो झारखंड की जनता को वो स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमारा पार्टी का जो सैंबल है वो बहुत जल्दी आप लोग के पास होगी, सैंबल होगी, उसका चिन्ह भी होगा, और रजिस्टर्ड पार्टी तो रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका केवल सैंबल नहीं आया। सैंबल इसलिए नहीं आया क्योंकि आचार संहिता लग चुका था, आचार संहिता में जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि ये सब काम होता नहीं, तो आचार संहिता अगर थोड़ा सा 15 दिन डिले होती तो हम लोग का सैंबल आ जाते। तो हमारे झारखंड की जनता से कहेंगे, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी साथी हैं उनसे कहेंगे कि आप निश्चिंत रहिए, ये इस महीने जुलाई के एंड तक हम लोग का सैंबल हम लोग का हाथ रहेगा। पूरे लोकसभा सीट पे भी आप लोग चुनाव नहीं लड़े, अभी खबर आ रही है विभिन्न पेपर में कि जेबी केसेस 55 सीट पे चुनाव लड़ेगी विधानसभा पे, तो इसका क्या कारण है? 55 सीट का इसलिए कहा जाता है कि देखिए, हम लोग 8 लोकसभा में चुनाव लड़े हैं, तो एक विधानसभा में, एक लोकसभा में लगभग 5 से 6 सीट आता है, तो 5 से 6 सीट आता है, तो 8 से 48, ऐसा ही 8 से 48 हो गया, और 2-4 इधर उधर। तो हम लोग इस आधार पर हम लोग 55 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और 55 सीटों पे इसलिए भी कि अगर आपको सही में नीति बनाना है, सही में कानून बनाना है, अपनी बातों को प्रबल तरीके से वहाँ मनाना है, तो आपका एक अच्छा खासा मेजोरिटी होना चाहिए। तो 42 सीटें तो मेजोरिटी के लिए हैं, तो 55 सीटें में लड़ेंगे, और अगर व्यापक तौर से अगर जन समर्थन मिला, जिस तरह से जनता का मूड है,
अगर जनता का मूड उस तरह से बनती है और हमें व्यापक जन समर्थन देती है तो हम लोग 2024 में जनता के लिए, 2024 तो ख़त्म हो जाएगा, 2025 से हम लोग जनता के लिए कुछ अच्छा करने में सफल हो पाएंगे। विधानसभा आप लड़ेंगे या नहीं, लोकसभा तो नहीं लड़े? विधानसभा तो लड़ना, जिस तरह से केंद्रीय कमेटी का आदेश है, जिस तरह से कोर कमेटी का आदेश है, उस हिसाब से विधानसभा के चुनाव तो लड़ेंगे, है ना। अब कहाँ से लड़ेंगे वो कोर कमेटी और केंद्रीय कमेटी डिसाइड करेगी, क्योंकि हम पार्टी का एक वरीय उपाध्यक्ष हैं पर सर्वे सर्वा नहीं है, और कभी किसी भी पार्टी में किसी व्यक्ति को सर्वे सर्वा होना भी नहीं चाहिए। ये कोर कमेटी से चलती है, केंद्रीय कमेटी के डिसीजन से चलती है, उसका बैठक होता है, उस बैठक के डिसीजन जो निकल के आता है उससे चलती है। तो कोर कमेटी, केंद्रीय कमेटी जहाँ से डिसीजन लेगी कि आपको यहाँ से लड़ना चाहिए, वहाँ से लड़ने के लिए। अच्छा मोतीलाल जी, चुनाव में जब आप लोग नहीं आए थे, छात्र आंदोलन कर रहे थे, तब का जो मुद्दा था, फिर लोकसभा चुनाव में आए उसका जो मुद्दा हुआ, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आ गए, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है 4-5 महीने में, कई ऐसा सीट जैसे गिरिडीह सहरी कम वोट मिला आपको, तो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दा चेंज होगा ताकि शहरी वोटर भी आप लोग पर जो है वो इंटरेस्ट दिखाएं? देखिए, जहां तक बात रहा कि मुद्दा चेंज करने का, तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जो है, चुनाव के लड़ने के लिए नहीं आए थे, विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आए थे, इतना छोटा सपना हमारा है भी नहीं। हमारा सपना था कि झारखंड में झारखंडी कौन है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाए। अगर झारखंड में नौकरियाँ हैं तो झारखंड के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? अगर झारखंड में स्कूल है तो उसमें शिक्षक क्यों नहीं है? अगर शिक्षक है तो उसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? और अगर झारखंड में हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर क्यों नहीं है? अगर डॉक्टर है तो उसमें दवा क्यों नहीं है? डॉक्टर और दवा दोनों, डॉक्टर दवा हॉस्पिटल दोनों तीनों है तो फिर उसमें सही से इलाज क्यों नहीं हो रही है? इस मुद्दा को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, तो आज भी हम लोग कह रहे हैं। और ये शहरी रहे या ग्रामीण रहे, सबको रोज़गार की ज़रूरत है। इंसान अगर पैदा लिया है तो सबसे पहले उसको रोटी की ज़रूरत पड़ेगी, और रोटी कहाँ से आएगा? रोज़गार से आएगा। तो हम लोग रोज़गार की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, रोज़गार और रोटी की ज़रूरत दोनों की पड़ती है। तो ये मुद्दा तो उसका भी है, शहरी का भी है और ग्रामीण का भी है, तो बदलने की ज़रूरत कहाँ है? लेकिन हाँ, शहरी लोग थोड़ा सा होते हैं कि अपने आप को थोड़ा इंटेक्चुअल, बुद्धिजीवी मान लेते हैं, थोड़ा जो नई नई पार्टियाँ उभरती है, चाहे नए नए लोग उभरते हैं, उसको थोड़ा सा जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आज न कल वो खुद एक्सेप्ट करेगी, इसलिए हमें मुद्दा बदलने की ज़रूरत नहीं। मुद्दा वही है जो शहरी का है, वही ग्रामीण का है, जो ग्रामीण का है वही शहरी का है, मुद्दा सेम है, केवल समझने की फेर है। बदलने की ज़रूरत कहाँ है? आप हमें बताइए ना, किसको रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, किसको शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसको स्वास्थ्य की ज़रूरत नहीं है? जो झारखंडी है उसको क्या स्थानीय की ज़रूरत नहीं है? क्या उसके बच्चों का भविष्य का ज़रूरत, भविष्य यहाँ नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं? तो फिर दोनों का लड़ाई है, तो ये समझने की ज़रूरत है। जिस दिन शहरी हो या ग्रामीण हो, ग्रामीण तो समझ गई, जिस दिन शहरी जनता इस चीज़ बात को समझेगी कि ये जो लड़ाई जे बी केसेस की है, ये कोई शहरी और ग्रामीण को लेकर नहीं है, ये है स्पष्ट रूप से रोजगार, रोजी रोटी का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का। तो जी, शहरी में वो लोग आते हैं मैक्सिमम, जैसे आप देखिए झारखंड के जितने शहर हैं, मैक्सिमम वो लोग आते हैं जो सो कॉल्ड जिनको बिहार से हैं, जिनका रिलेशन बिहार से, और आप लोगों का एक इमेज बन चुका है बिहारी विरोधी, 1932 खतियान समर्थक। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि उन वोटरों तक कैसे पहुँचेंगे, उनका वोट आपको चाहिए या नहीं, या फिर उनके समुदाय से लोग आपके पार्टी में दिखेंगे या नहीं? देखिए, हम लोगों ने फिर एक ही, ये जो है ना, ये जो भी प्रश्न को सेट किया है, एजेंडा को जो सेट किया है कि बाहरी भीतरी लोग बिहारी देखना चाहिए, गलत है ये एजेंडा ही, गलत है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा स्थानीय, जैसे बिहार में स्थानीय है ना, उसी तरह झारखंड में स्थानीय हो, स्पष्ट हो कि बिहार में बिहारी कौन है, स्पष्ट है, उसी तरह झारखंड में झारखंडी कौन है। तो क्या गलत मांग है? नहीं गलत मांग है। और अगर स्थानीय स्पष्ट होगा तो ऐसा नहीं कि बाहर के बच्चों का लाभ नहीं होगा, एकदम बाहर के बच्चों का भी लाभ होगा और यहाँ के बच्चों का भी लाभ होगा। कैसे होगा? एक तरीका बनेगा, जैसे हम बिहार में फाइट करते हैं, हम बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ कितना फॉर्म भरते हैं कि 90 को अगर नौकरी होता है, 100 को नौकरी होता है, तो 90 को नौकरी बिहार के लोग लेते हैं, 10 में हम फाइट करते हैं। उसी तरह झारखंड में नौकरी हो तो 10 में बिहार का, ओपी का, गुजरात का फाइट करे, 90 में हमारा हो, हम तो इसका मांग कर रहे हैं। तो देखिए, ये नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण आज क्या हो रहा है, जेएससी सीजीएल का एग्जाम है 10 सालों से पेंडिंग है, जेपीएससी 5 सालों में एक बार हो पाता है, वो होता भी है नहीं तो नहीं भी होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, सभी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, टेट को देख लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए, 8-10 साल लग जाते। तो क्या है इसका रीज़न, मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न इसका है कि स्थानीयता परिभाषित नहीं है, नियोजन नीति परिभाषित नहीं है, जिस कारण से ये परीक्षाएँ होती हैं, बाद में स्थानीय नीति, नियोजन नीति के कारण कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटती रह जाती है,
जिस कारण से इतना परीक्षा में डिले हो रहा है। तो क्या इसमें जो बाहर के बच्चे आए हैं, जो बिहार से आए हैं, ओपी से आए हैं, क्या उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है? और उनकी आबादी भी कितनी है, 10% के 100 के 10% मिल रहा है, कितना काफ़ी मिल रहा है? उसकी आबादी भी तो झारखंड के बराबर नहीं होगा, झारखंड की जनता के बराबर नहीं होगा। अब अभी आबादी तो भी इसको कम होगा, तो 10% कम मिल रहा है? अगर 10% ओपन है तो कम मिल रहा है क्या? और अगर स्थानीय नीति और नियोजन रीति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है तो टाइम टाइम पे एग्जाम कंडक्ट होगा और 10 सीट पर ही फाइट करेगा, लेकिन नौकरी तो रेगुलर मिलेगा, वो 10 सीटों पर बाहर के लोगों को मिलेगा और 90 सीटों पर यहाँ के मिलेगा। तो 10 सीटों में बाहर के लोगों को नौकरी मिलेगा तो क्यों उनके बच्चों का लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? 10 गो बिहार या ओपी के बच्चा आके यहाँ नौकरी करेगा कि नहीं करेगा? रेगुलर होगा तब तो। आप देखिए, अब उस स्थानीय नीति नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि सारा एग्जाम पेंडिंग पे है, तो भविष्य तो दोनों का बर्बाद हो रहा है, हमारा ज़्यादा हो रहा है, उसका कम हो रहा है। तो आबादी भी उस प्रकार का है तो बंटवारा भी उस प्रकार का दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग बाहरी भीतरी का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग कभी भी नहीं कहे हैं कि बिहारी है तो बिहार चले जाएँ, ओपी वाले हैं तो ओपी उत्तर प्रदेश, नहीं, ऐसा हम लोग ने नहीं कहा। जिस तरह से बिहार में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से गुजरात में स्थानीय नीति निर्गत हुआ है, झारखंड में भी हो, जिस तरह से नियोजन नीति बिहार में है, ओपी में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, बंगाल में है, उस तरह से झारखंड में स्थानीय नीति निर्गत हो, हम लोग स्थानीय नीति और नियोजन नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उम्मीद करें कि विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जे बी के एस एस की जो भी पार्टी बनेगी उसमें कुछ कैंडिडेट बिहार के भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए कैंडिडेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए एक कैंडिडेट इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए वोट जब होता है, चुनाव जब होता है तो वहाँ एक परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है? तो आप दे दीजिएगा वो कैंडिडेट, हम लोग बहुत सारा सर्वे करके देंगे ना, बहुत सारा सर्वे। ऐसे सीट हो सकते हैं जहाँ पर बिहारी फैक्टर ज़्यादा हो, बाहरी लोगों का फैक्टर ज़्यादा हो, जहाँ वही लोगों के वोट से कैंडिडेट जीतेगा ही। हाँ, अगर उस तरह का रहा और उस तरह के अगर चुनाव में हमारा कोई बाहर का लोग हमारे साथ संघर्ष किया हो, जैसे आंदोलन कर रहे हैं 1932 का खतियान नियोजन नीति स्थानीय नीति की नहीं कुछ जो समझा होगा, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है जो बिहार से आया हो, उसका बाप यहाँ नौकरी कर रहा था, CCL में BCCL में यहीं रिटायर हुआ, यहीं पढ़ा लिखा सब कुछ, हम लोग से खुद बात होता है, तो उन लोग का साफ स्पष्ट शब्दों का कहना कि मेरा यहाँ डोमिसाइल है, हम अधिकार भी नहीं मांगते, लेकिन हाँ यहाँ हम जो जनरल की सीटें हैं वहाँ तो हम फाइट करेंगे, वो लोग कहते हैं। तो उस तरह का बहुत सारा स्टूडेंट हम लोग को सपोर्ट भी किया है, तो उस तरह का जो है 3 साल से हमारे साथ संघर्ष किया वैसा हमारा साथी होगा तो हम लोग जरूर देने का काम करेंगे, लेकिन अगर संघर्ष नहीं किया है, आंदोलन में नहीं पार्टिसिपेट किया है तो हम लोग नहीं दे सकते नहीं, क्योंकि हम देखे हाँ। लोकसभा चुनाव के प्रचार में महाराष्ट्र से लोग पहुंचे हुए थे हाँ। और प्रचार कर रहे थे हाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में भी इस तरह से अलग अलग स्टेट के लोग जब केसेस के प्रचार में आए। लोकसभा में देखिए ऊंचे वो आए थे बाहर से इसलिए दिख गए है ना, लेकिन यहाँ पर बिहार यूपी के लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया और वोट भी दिए हैं, जो जो जानते हैं कि नहीं लड़ाई इन लोगों की नहीं है, तो बोलो जो जानते हैं वो लोग सपोर्ट किए हैं। तो महाराष्ट्र वालों को उसको पता था, जब टाइगर जब गए थे मुंबई तो उनको पता था कि ये लोग किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लोग सपोर्ट खुद करने आएंगे। उसी तरह से यहाँ दिखा नहीं, लेकिन बहुत सारे जो बाहर के लोग भी थे उन लोगों ने भी वोट दिया, उन लोगों ने भी समर्थन दिया है, क्योंकि वो उनके बाल बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है ना, जैसे हम समझाए आपको, आपको समझ में आया? बस उसी तरह से जिसको जिसको समझ में आ रहा है, एक हमारे साथी हैं उनका नाम तो हम नहीं लेना चाहिए क्योंकि सरकारी टीचर में सरकारी यहीं हो गए, तो वो एक्सटर्न जनरल में फाइट किए और सीधे बोल दिए कि हमको इस आंदोलन का बहुत बड़े समर्थक हैं, जबकि वो बिहार के हैं लेकिन इस आंदोलन का बहुत बड़े समर्थक हैं, क्योंकि उनको शोषण को बोला कि झारखंड के शोषण को हम अपने आँखों से, मेरे पापा CCL में थे, हम अपने आँखों से देखा है कि किस तरह से यहाँ शोषण हो रहा है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।